Assalamu alaikum students, how are you all? I hope that you all are fine, doing great at your homes. Is it? That's great. So today we are going to do a very interesting topic. Today we are going to talk about your routine. That what do you do on daily basis, or what do you do often, or what do you do every day? So it's kind of an interactive lesson in which we are going to talk about the activities that you do daily. So first of all, who's gonna tell me? Yes, Fatima. You tell me that what do you do daily? Okay. You read every day. The things that you do every day or daily. Okay, what else? Ali? Okay, you take bath. Yes, Sara, what do you do? You sleep. Yes, Bilal, what do? Okay, you eat. And anyone else? Okay, you play. So there are so many different tasks that we do daily, or that is a part of our routine. हमारी लाइफ में आजकल ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम या तो डेली बेसिस पे करते हैं या कभी कभार करते हैं, या मोस्टली जौन सा है हम लोगों ने उनके लिए स्पेसिफिक डेज फिक्स किए हुए होते हैं दैट ऑन मंडेज़ आई हैव टू डू दिस. और जस्ट लाइक अगर मैं ये कहूँ ऑन मंडेज वी विल रीड द चैप्टर, और या फिर ऑन मंडेज विल डू द डिक्टेशन वर्ड्स, और मंडेज या फिर हम लोग ग्रामर वर्क किया करेंगे. सो देर आर सम थिंग्स दैट आर स्पेसिफिक. कुछ रूटीन, कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग रूटीन में करते हैं, वो दे आर पार्ट ऑफ आर लाइफ, वो हमारी रूटीन बन चुकी होती है. तो वो तमाम काम जो आप डेली बेसिस पे करते हो, ठीक है, जो आपकी रूटीन बन चुकी होती है, उस तरह से जो आप बात करते हो उसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. मैं रिपीट कर देती हूँ. Anything that you do on daily basis, ठीक है, और या फिर anything that you do sometimes, that you do often, or that you do always is known as a simple present tense. It is like that you use to talk about the things that are true. ये इस तरह से भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है. अब इसमें सिंपल सी चीज़ क्या है, आपने बस एक याद करनी है. सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे पास वो टेंसेस होते हैं जो हम लोग अपने उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं, जो हमारी रूटीन होती है, जो हमारी लाइफ का एक पार्ट होते हैं, जो हम कभी कभी भी करते हैं, जो हम हमेशा भी करते हैं. जस्ट लाइक वी ईट एवरी डे, हम हर रोज़ खाते हैं. वी स्लीप एट नाइट, हम लोग हर रात सोते हैं, ठीक है. वी प्ले और समटाइम्स हम समटाइम्स खेलते हैं, ठीक है. वी रीड डेली, हम लोग से कुछ बच्चे जो उनसे रोज़ाना पढ़ते हैं, कुछ कभी कभी बार पढ़ते हैं, ठीक है. कुछ डेली शावर लेते हैं, कुछ कुछ दिन छोड़ के शावर लेते हैं. तो दे आर द थिंग्स जो हमारी लाइफ का पार्ट है, जो कुछ हम कभी कभी करते हैं, जो डेली करते हैं, इस तरह की चीज़ों को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं. जैसे लाइक अगर मैं कहूँ सारा पढ़ती है, ठीक है, तो सारा रीड. अगर मैं ये बात कर रही हूँ सारा पढ़ती है, अली नहाता है, ठीक है, बिलाल सोता है, मामा खाना खाती हैं, ठीक है, और हम सब मिलके खेलते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं ना जो हम लोग कर रहे हैं. प्रेजेंट का क्या मतलब होता है, जो अभी हो रहा हो, ठीक है, जो प्रेजेंट है, जो मौजूद है. और सिंपल प्रेजेंट की बात वो होती है जो हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका हो, जो हमारी रूटीन हो. तो ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम अगर उर्दू में बात करें तो दे एंड ऑन ता है, ती है, या फिर ते हैं.
है. अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो दे एंड्स ऑन ता है, पी है, दे. अब नाउन के बारे में हम सब जानते हैं, वी ऑल नो कि नाउन क्या होता है. Noun is the name of a person, place, thing or animal. यहाँ पे जो ये सब चीजें लिखी हुई ये तो verbs है ना. All of these are the verbs. ठीक है, noun क्या होता है? The name of a person, place, thing or animal. किसी भी इंसान का, चीज का, जगह का या animal का नाम हमारे पास noun होता है. तो अगर simple present tense में एक ही condition है, एक ही rule है, अगर if योर नाउन इज सिंगुलर, आपका नाउन सिंगुलर है, तो आप वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई एस रिस्पेक्टिवली एड करेंगे. द ओनली वन इफ नाउन इज सिंगुलर, अगर आपका नाउन सिंगुलर है, देन नाउन या फिर प्रोनाउन. अगर आपका नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है, देन ऐड एस ई एस या आई ई एस विद द वर्ब. अब ये कैसे बात करें, हाउ आर दे टॉकिंग? अगर आपका नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है, तो आपने कौन सा है वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई एस एड करना है. ओके, इफ द नाउन और द प्रोनाउन इज सिंगुलर, तो आपने वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई एस एड करना है. कैसे एड करेंगे? व्हाट इज द वर्ब? अब वर्ब आपकी डिपेंड करी होती है कि आप किस सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हो, किस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हो. अगर मैं यहाँ लिखी गई फर्स्ट वर्ब लूँ, रीड, ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ अली पढ़ता है, तो मेरी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है. द सेंटेंस इज एंडिंग ऑन ता है पे एंड हो रहा है, ठीक है, ता है, मेरी फर्स्ट कंडीशन यहां से फुलफिल हो रही है. तो अब मुझे पता है कि मेरा जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में. तो जब मुझे पता होगा कि मैं किस सेंटेंस की बात कर रही हूँ, तो फिर मुझे पता होगा ना कि उसके ही स्पेसिफिक रूल्स अप्लाई होंगे. अब मुझे पता है कि जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंसेस की बात करते हैं, चाहे वो उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, तो अब उर्दू में हम लोग बात करते हैं, आर नेशनल लैंग्वेज इज उर्दू, तो हम सब नॉर्मली उर्दू में बात करते हैं. तो इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज आर सेंटेंसेज और ट्रांसलेट आर सेंटेंसेज इन टू इंग्लिश, तो हमें उनके रूल्स पता होने चाहिए. और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास एक ही सिंपल रूल है कि अगर आपका नाउन या आपका प्रोनाउन सिंगुलर है, तो आपने वर्ब के साथ एस या ई एस या आई एस, जो भी रिस्पेक्टिव है, वो उसके साथ ऐड करना है. लाइक आप वर्ब को प्लूरल कर दोगे. कैसे? अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो अली है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. अली वन पर्सन होता है या वन से ज़्यादा होता है? यस, अली इज अ सिंगल पर्सन, अली एक है, ठीक है. तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, नाउन हमारा कौन सा है वो सिंगुलर है. अब हम क्या करेंगे? अली रीड, पढ़ने में क्या कहते हैं? रीड. अब जब हमारा नाउन कौन सा है वो सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ क्या करना है? एस ई एस या आई एस ऐड करते हैं. अली रीड्स, ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट. अली रीड्स, तो ये अली रीड्स कौन सा है? दिस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस. आपको समझ में आया? अली पढ़ता है, अली हमारे पास सिंगुलर था, तभी हमने अपने वर्ब के साथ कौन सा है एस ऐड कर दिया. एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट सेंटेंस में किसका नाम यूज करना है? ओके, बिलाल. मेरा सेंटेंस है बिलाल रोज
बिलाल कितने हैं? पहले आप मुझे बताएं, हाउ मेनी बिलाल आर देयर? वन, बिलाल इज अ सिंगुलर, ही इज वन पर्सन. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? बिलाल रोज खाना खाता है. वर्ब क्या है? खाना खाने को क्या कहते हैं? ईट. और रोज के लिए क्या आ जाएगा? डेली या एवरीडे. बिलाल क्लियर हो गया कि हमारा नाउन, हमारा प्रोनाउन जो भी था वो सिंगुलर था. अब हमने बात करनी है प्लूरल की. प्लूरल की बात कैसे करेंगे? बच्चे, पार्क में खेलते हैं. ठीक है, बच्चे पार्क में खेलते हैं. अब यहाँ पे भी हमारी कंडीशन फुलफिल है, लिखते हैं आ गया यहाँ से. ठीक है, बच्चे पार्क में खेलते हैं. अब बच्चे क्या है? बच्चों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? चिल्ड्रन. वेरी गुड, चिल्ड्रन. खेलने को क्या कहते हैं? प्ले. और कहाँ खेल रहे हैं बच्चे? पार्क में. चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क. क्यों? जस्ट बिकॉज आर नाउन इज चिल्ड्रन. क्या है नाउन? देयर नेम ऑफ सो मेनी किड्स नोन एज चिल्ड्रन. चिल्ड्रन हमारे पास है नाउन. अब जब नाउन हमारा प्लूरल है तो हमारे पास यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा. ये रूल था सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के लिए, सिंगुलर प्रोनाउन के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए. अब क्योंकि हमारे पास नाउन प्लूरल है तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब है उसके साथ एस ई एस आई ई एस कुछ भी ऐड नहीं होगा. अगर नाउन सिंगुलर है तो ही हम वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई एस लगाते हैं. अगर नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई एस ऐड नहीं करते. क्लियर? आर यू ऑल क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? चलिए, अब प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस के बारे में हम सब ने पढ़ा है, ही शी इट आई वी दे यू. ये सेवन वर्ड्स जो से हैं दे आर यूज्ड एज प्रोनाउंस. हम इनको एज प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं जिसमें ही शी इट हमारे पास सिंगुलर फैमिली है एंड आई वी दे यू ये हमारी प्लूरल फैमिली है. मैं आपको एक्सप्लेन करूँ. When we talked about pronouns, जब हमने pronouns की बात की थी तो इसमें हमारे पास he, she और it एक family है, like they live in one home. और I, we, they, you is the other family. अब क्या हुआ? I तो singular है तो वो plural के house में क्यों रहते हैं? This is the house of singulars. And this is the house of plurals. ये singulars का house है, ये plurals का house. ये सब हमारे पास pronouns. Now the question arises कि I हमारे पास singular के house में क्यों नहीं रहता? जब past की बात थी, जब हम past में थे, past की बात थी, तब I जो है वो singulars के साथ ही रहता था. But accidentally एक दिन I की he she it से लड़ाई हो गई और उसके बाद I जो move to the house of the family of plurals. तो I ने singulars का घर छोड़ दिया और उसने plurals के साथ जाकर रहना शुरू कर दिया. क्योंकि वो plurals के घर में रहता है इसलिए I में भी plurals के rule ही apply होते हैं. तो I जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपने verb के साथ s e s या i e s add नहीं करना.
क्लियर? जस्ट बिकॉज आई लिव इन द फैमिली ऑफ प्लूरल्स, तो हम लोग आई के ऊपर भी प्लूरल्स के रूल ही अप्लाई करते हैं, उनके ऊपर सिंगुलर्स के रूल अप्लाई नहीं होते. ओके, तो आई होप दैट यू ऑल आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट एंड यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस इट एज वेल. यू कैन जस्ट मेक डिफरेंट सेंटेंसेज आउट ऑफ इट. आप खुद से अपनी रूटीन देखें, आपकी आजकल क्या रूटीन चल रही है, व्हाट डू यू डू ऑन डेली बेसिस, व्हाट डू यू डू ऑफन, व्हाट डू यू डू समटाइम्स. तो आप खुद से सेंटेंसेज ऑन योर रफ नोटबुक उसको जनरेट करने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें फॉर योर ओन प्रैक्टिस. स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी और एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, आई एम हेयर टू हेल्प यू गाइज आउट. ओके.